हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे. और अभी हो रहा है दोपहर के बाद का टाइम, और दीदी गई है हॉस्पिटल क्योंकि जो शिवानी है, छोटी वाली सिस्टर, उसके बेटे की तबीयत खराब थी. श्याम की मतलब 2-3 दिन से फीवर आ रहा था, फीवर नहीं जा रहा था, तो यहीं पे दिखाने आई है हॉस्पिटल. तो अभी मैंने फोन किया था तो बोल रही थी दिखा दिया है. दिखाने के बाद डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी लिखा है कि फीवर किस वजह से आ रहा है, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा आने में. यही देख रही थी छत से खड़े होके कि आने वाले होंगे. और मैं भी सोच रही थी, जब से उसको बेटा हुआ है ना, मैं मिली भी नहीं हूँ. डिलीवरी टाइम भी मैं नहीं थी, दीदी थी, मैं नहीं देख पाई थी. और लड़का हो गया 6 महीने का, मैं अभी देखा ही नहीं है उसे. तो मैं सोच रही थी मैं चली जाऊं, मैं देख लूं जाके, आयान को छोड़ दूंगी और जाके मिलाऊंगी. लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी गर्मी में. फिर पता चला उसको फीवर आ गया है, तो उसको दिखाने आना था यहाँ पर हॉस्पिटल. तो मैंने कहा यहीं मिल लूंगी और मिलके फिर निकल जाऊंगी. तो मैं किचन में आके बॉटल भर के रख रही थी आयान के लिए पानी की, क्योंकि दीदी के यहाँ सब लोग समर का पानी पी लेते हैं, वही बॉटल में भर के फ्रिज में रखते हैं. आयान के लिए मैं ये वाला पानी मंगा देती हूँ, क्योंकि उसे समर का पानी सूट नहीं कर रहा था. पानी भर रही थी तब तक शिवानी आ गई हॉस्पिटल से. 2-3 घंटे हो गए आए हुए से, लेकिन अभी हॉस्पिटल में ही थी. टेस्ट वगैरह करवाई. सैंपल तभी तो लेवाया हो, नहीं तो नहीं गरम तो है. है वो दूध भी नहीं पी रहा. क्या हो गया? दूध नहीं पी रहा बच्चे. गरम है और तो नहीं दौड़ आया था. क्या हो गया? दौड़ रहा है. हाँ बेचारा पंखा आ रहा है. क्या हो गया? स्लाइड पंखा देख. कब मैं मौसी से मिलने से पहले खुल रहा है. हाँ भी हो गया. हाँ नहीं कोई करी तब मैं गई तब तो बाहर में ठीक है. तो देखो छोटा सा. चलो सबके लिए चाय, क्योंकि शिवानी आई है अभी. लेकिन धूप से आए हैं ये लोग, तो ठंडा नहीं पीना चाहिए ऐसे में. तो मैं चाय बना रही हूँ. और दीदी के किचन की ऊंचाई ज़्यादा है ना, तो ऊंचाई पे खड़े होके खाना वगैरह बनाते हैं, तो खुद की हाइट भी ज़्यादा दिखने लगती है. काफ़ी ऊपर खड़ा होना पड़ता है. और ये देखिए कितना उदास है. वैसे बच्चे उदास रहते नहीं है, नई जगह आके तुरंत खेलने लगते हैं, लेकिन इस टाइम ये बहुत डाउन है. मतलब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है. अंदर से दूध वगैरह भी कुछ नहीं पी रहा है, और ब्लड भी इसका थोड़ा सा कम निकला है. 9 पॉइंट बुखार की वजह से कम हो गया है. तो बस यहाँ पर जल्दी से बनाती हूँ अभी चाय. और यहाँ पर ये इन्फेक्शन की वजह से बॉटल से दूध नहीं पी पा रहा था, तो उसको कटोरी चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया है. और उसके बाद मैं आ गई थी चाय वगैरह के जो बर्तन पड़े थे सारे, तो मैंने तुरंत ही ये बर्तन धो के रखे हैं, क्योंकि दीदी भी हॉस्पिटल से आई थी शिवानी के साथ में, वो भी धूप में से आई है 2-3 घंटे बाद. उसके बाद मैंने यहाँ पर बना दी है छोले की सब्ज़ी. रोटी और चावल बन गए थे, सब्ज़ी बस बनानी थी. चार चार ड्रॉप मुंह में डाल तो वही तो आ का निकला रिपोर्ट में. सीआरपी डबल है. डबल डबल ज्यादा बड़ा है इन्फेक्शन यही. सो जा और
ये देखिए छोटे छोटे बच्चों की भी कितनी सारी दवाएं ढेर सारी होती हैं, मतलब दवा देख के डर लगने लगता है, लेकिन ये है कि इन्फेक्शन है तो ये सारे एंटीबायोटिक देने ही होंगे। एंटीबायोटिक दवाई बहुत सारी दी थी और शायद इसी वजह से उसको पीने में दर्द भी हो रहा था, दूध वगैरह पीने में गले में। और उसके बाद वहाँ पर दवा देने में लगी थी, मैं आ गई थी तुरंत, मैंने कहा सबके लिए खाना लगा दे रही हूँ क्योंकि 3 बज गए थे, मैंने कहा इस टाइम सबको भूखा ही है, खाने का टाइम। तो अभी सबको खाना वाना लगाया, सबने खाना खाया, हम सब लोगों ने, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने लगे थे, इसको भी सुलाया, शिवानी ने दवाई वगैरह दी थी क्योंकि दवा दिया था तो सुलाना भी था कि थोड़ा सा रेस्ट मिले दवा लेने के बाद में। उसके बाद अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो ये दीदी ने भिंडी तोड़वाई थी, छोले की सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो भिंडी बन जाएगी। तो फिर भिंडी, लाइट नहीं आ रही है, 1-2 बल्ब भी जल रहा है इन्वर्टर से, लाइट बहुत कटती है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा कटती है, कभी कभी तो 4-4, 5-5 घंटे को कट जाती है। तो उसके बाद दीदी ने रोटी के लिए आटा वाटा लगाया जब तक, और यहाँ पर मैं तब तक भिंडी छौंक दे रही हूँ, और भिंडी की सूखी सब्जी मुझे अच्छी भी लगती है, अजवाइन वगैरह डाल के छौंकी है। और मैं सोच रही थी, आप लोग भी कह रहे थे कि शिवानी से मिल गया ना, मैं सोचती रही कैसे जाऊँ, अयान को लेकर जाऊँ, कैसे मिलूँ, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने कहा चलो वही मिल ली, भले ही एक रात को मिली थी लेकिन मिल तो ली उससे। तो दीदी यहाँ पर सेक रही हैं रोटियाँ, मैं लगा रही हूँ खाना, तीनों बहनें किचन में आ गई हैं, एक बहन की कमी है क्योंकि वो नहीं आ पाई, क्योंकि नंदनी यहीं थी, तो बड़ी वाली दीदी, गुड़िया दीदी, अनीता दीदी, मतलब नंदनी की मम्मी, वो नहीं आ पाई क्योंकि घर पर कैसे छोड़ती इस वजह से। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, मैं निकल रही हूँ घर मम्मी के पास के लिए, तैयार हो रही हूँ नहा धो के। दोस्तों पहले तो मैं सोच रही थी मैं शिवानी से वहीं जाके मिलाऊंगी घर पे ही शिवानी के, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाई क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था यार कैसे ले जाऊं क्या है, और जब तक श्याम की खुद ही तबीयत खराब हो गई तो वैसे तो ये नहीं आ पाती, लेकिन उसको दिखाने यही आना था तो फिर मैं यही मिल ली, फिर मेरा वहां जाने का प्लान कैंसिल हो गया। और उस दिन मैं जो सारी चीजें उसके लिए लेके आई थी वो ये सब रहे, तो मैं जा रही हूँ शिवानी को देने क्योंकि अभी मुझे निकलना है, थोड़ी देर के बाद मेरी ट्रेन है, तो मैं तैयारी कर रही थी निकलने की। और दीदी उस दिन गए थे मार्केट तो ये सब मैं लेके आई थी, छोटे छोटे से सूट, ये देखिए गर्मी के हिसाब से एक ये सूट है येलो कलर का, इसमें ये पैंट है, ये देखिए तैयारी हो गई थी, पूरी श्याम बीमार हो गए तो फिर मेरी तैयारी हो गई थी कि मैं एक दिन वहीं जाके मिला हूँ, और श्याम के लिए मैं मिल नहीं पाई, जब से पैदा हुआ मैं मिली नहीं हूँ, डिलीवरी के टाइम भी नहीं थी, तो वही मिलाऊंगी, वही ले जाऊंगी सब, लेकिन वहां जा नहीं पाई, तब तक वो बीमार हो गया तो दिखाने आ गई, तो मैंने कहा चलो यही कर ली। तो एक ये सूट है और एक ये सूट है, और इसमें डबल है, एक इस तरीके से है ऐसे, एक इस तरीके से, इसमें ये हाफ टी शर्ट है और हाफ पैंट है, और इसमें एक अंदर से भी है, ये देखिए इस टी शर्ट के अंदर एक टी शर्ट है, इसको अलग अलग भी पहना सकते हैं। एक सूट ये है, मैं जानबूझ के गर्मी के हिसाब से हल्के ही हल्के लाई हूँ, वैसे नहीं लाई हूँ, बहुत मोटे मोटे हैवी है भी, ये देखिए, और ये एकदम इस टाइम पे पहनाने के लिए गर्मी के हिसाब से बहुत ही लाइट है, ये देखिए लाइट कलर में है और लाइट है। और एक ये है जीन्स टाइप में, ये टी शर्ट है और ये पैंट है। और श्याम बाबा से मैं ये लेके आई थी, और कुछ यहाँ से लिए थे मैंने मेले से, भगवान जी के कपड़े, कंगन वगैरह, तो ये सब मैंने अभी रखे हैं, नंदिनी ने मेरा सब ये सब पैक करके रखा है, जो जो सामान था, तो ये सारा पैक। तो दोस्तों रिक्शा आ चुका है और बस हम निकलने जा रहे हैं, मिल लिया सबसे 1-2 दिन और बस वापस जा रही हूँ मैं महोबा, ये देखिए तैयारी पूरी हो गई है, रिक्शा भी आ गया है। वैसे तो और रुक जाती लेकिन मम्मी के पास भी बिल्कुल मैं रुकी नहीं थी उस दिन शादी के लिए, जैसी जैसी कैसी भी तुरंत ही निकल आई थी, तो मैंने कहा चलो मम्मी से भी मिल लूँगी, और बेटे को भी देख लिया शिवानी के, सबसे मिल ली, और अब बस निकलते हैं, ऑटो आ गया है, मतलब लोग मिलने के बाद जाना छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन यही नियम है प्रकृति का, मिलना और बिछड़ना चलता रहता है, लेकिन यह है कि मिल लिया तो अच्छा लग रहा था। और बस रिक्शा आ गया है और निकलते हैं, अभी 11 बजे का टाइम है।
और बस ऑटो आ चुका है, बैठते हैं। दीदी भी जा रही है स्टेशन तक छोड़ने के लिए, ट्रेन वगैरह में बैठाने के लिए, क्योंकि आयान थोड़ा सा इधर भागता है, बहुत शैतान हो गया है, तो अच्छे से बैठवाए आएगी। और नंदिनी भी चली जाएगी शिवानी के साथ में, दोनों लोग ये भी चली जाएंगी। तो बस निकलते हैं, पहुँचते हैं ट्रेन के लिए। ये देखिए दोस्तों कितने लोग आए हैं छोड़ने के लिए, पूरी बारात आई है, सब बैठे हैं। ट्रेन आने ही वाली है बस 5-10 मिनट बाद, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रुकती नहीं है, 2-3 मिनट ही रुकती है, तो हमें फटाफट से बैठना होगा। बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। और आपको याद नहीं आएगी? आएगी। किसकी आएगी? किसकी? लोगों की याद आएगी। कौन कौन लोगों की? किसकी किसकी आएगी? और ये हमारी एक सब्सक्राइबर मिल गई थी जो कि उस तरफ थी, दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म में, तो दूर से उन्होंने बाय किया, तब मैंने देखा, मतलब मुझे दूर का कम दिखता है लेकिन बाय कर रही थी समझ गई। फिर मैंने कैमरे में जूम कर से करके उनसे हाय बाय की, काफ़ी दूर थी वो भी, कहीं जा रही थी, तब तक हमारी भी ट्रेन। तो अयान तो ट्रेन में आते ही सो गया था, तो जब तक वो पहुंच नहीं गया तब तक सोता ही रहा है आराम से, तो उसने ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि ट्रेन में ठंडक पाके वो सो जाता है। और लेकिन मेरी घर जाने के बाद काफ़ी तबीयत बिगड़ गई थी, 17 तारीख का वीडियो, उसके बाद एक हफ्ते काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कोई वीडियो ही नहीं बना पाई, गर्मी से फीवर उल्टी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। तो फिर कोई वीडियो ये देखिए, बच्चे मिले आपस में, मिलते हैं बहुत चीटे की तरह चिपक के लड़ते हुए।